फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं डीटीएच कंपनी के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया में एक नया डीटीएच कंपनी बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए बने रहें इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूँ, इंडिया में जब से डीटीएच और केबल टीवी का नया रूल आया है, यानी कि ट्राई का नया फ्रेमवर्क आया है, जिसमें आप अपने पसंदीदा चैनल देखने के लिए या तो अलाकाटे बेसिस पे या बुके वाइज या तो डीपीएस पैकेज ले सकते हैं। जब से नया रूल आया तब से लोगों का टीवी का बिल लगातार बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि डीटीएच और केबल टीवी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। इसी बीच दोस्तों मैं बता दूं, डीटीएच और केबल टीवी की स्थिति खराब होने के बाद से यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा क्रेज आया, जैसे कि वॉचो, हॉटस्टार, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, टाटा विंच, ऐसे जितने भी ओटीटी ये सब ऐप्स हैं, इसके जरिए आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप कंटेंट देख सकते हैं। इसके लिए कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है, कुछ प्राइम कंटेंट के लिए आपको अमाउंट भी पे करना पड़ता है। तो दोस्तों आज बेसिकली मैं नेटफ्लिक्स से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि नेटफ्लिक्स एक ओटीटी ऐप था, ओटीटी प्लेटफॉर्म था, जिसके जरिए आप वेब सीरीज भी आपको देखने को मिलते थे, साथ ही ऑनलाइन बहुत सारे मूवीज़ कंटेंट देखने को मिलता था आपको। तो अब दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इंडिया में डीटीएच कंपनी भी लाने का सोच रहा है, यानी कि बहुत जल्द नेटफ्लिक्स अपना नेट डीटीएच के नाम से लॉन्च करने वाला है इंडिया में। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने काफ़ी ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए उसे पैसे की इनकम हुई है, और नेटफ्लिक्स के सीईओ का मानना है कि इंडिया में मार्केटिंग करना और बिजनेस करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो नेटफ्लिक्स अब ओटीटी में तो अपने सब्सक्राइबर बेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर ही चुका है, उसी को देखते हुए नेटफ्लिक्स अब टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल, वीडियोकॉन, डीटीएच जैसे कंपनी को टक्कर देने के लिए नेटफ्लिक्स का नया डीटीएच कनेक्शन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर नेटफ्लिक्स अपना डीटीएच मार्केट डीटीएच कंपनी भी लेकर आएगा और एग्जिस्टिंग कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ओटीटी पे बहुत सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि डीटीएच जब नेटफ्लिक्स का खुद का डीटीएच आएगा तो वहाँ पे भी काफ़ी सस्तों में पैकेजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपडेट आया था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।